प्यारे छात्रों नमस्कार। आज हम नौवीं कक्षा के हिंदी विषय का दूसरी इकाई का नवा जो पूरक पठन है मेरे पिताजी, उसका अध्ययन हम आज करने वाले हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बचपन से हमारा पालन पोषण करके हमें खुद के पैरों पर जो व्यक्ति खड़ा करता है वो होते हैं हमारे पिताजी। उम्र भर मेहनत कर अच्छी शिक्षा हमें दिलाकर एक आदर्श नागरिक बनाने का काम हमारे पिताजी करते हैं। और यहाँ पर भी इस पूरक पठन के जो लेखक है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी, उन्होंने अपने पिताजी के बारे में कुछ बातों को हमारे सामने प्रस्तुत किया हुआ है। जो बच्चन जी है उनका जन्म जो है 27 नवंबर 1907 उत्तर प्रदेश का एक शहर है प्रतापगढ़, वहां पर उनका जन्म हुआ। और 18 जनवरी 2003 में उनकी मृत्यु हुई। उत्तर छायावाद काल के हरिवंश राय बच्चन जी एक ख्यातनाम कवि थे। और अपने पिताजी के जो उनकी कर्तव्य निष्ठा थी, जो उनकी समय की पाबंदी थी, इन गुणों को, उनका रहन सहन कैसा था, इन सारे गुणों को यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी ने इस पाठ में हमें दर्शाने का काम किया हुआ है। और इस पाठ के जो लेखक है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी, उनकी अलग से जानकारी दी जाए तो हमारे बॉलीवुड के, हिंदी बॉलीवुड के जो महानायक है अमिताभ बच्चन जी, उनके भी पिताजी है। यानी यहाँ पर जिस व्यक्ति के बारे में जानकारी दी गई है वे दूसरे कोई नहीं तो हमारे बॉलीवुड के जो महानायक है अमिताभ बच्चन जी, उनके भी दादाजी है। और उसी पूरक पठन का अध्ययन हमें आज करना है।